हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कैपिटल चैरिट्स एंड दिस वीडियो मेड फॉर करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश। मैनी फैंस वांटेड टू नो अबाउट देयर करंट रिलेशनशिप। बहुत सारे फैंस फिलहाल अभी उनके रिश्ते में क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, क्या चल रहा है रिश्ते में, मैं देखना चाहूँगी। फैंस जानना चाह रहे हैं कोई ऐसी बात जो कि प्रिकॉशन लेने वाली है, तो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दोनों के रिलेशनशिप अभी कैसे चल रहे हैं एट प्रेजेंट। मैं मैसेज लेना चाहूँगी, एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है करण और तेजा के बीच में, क्या चल रहा है मैं जानना चाहूँगी। इनके में अगर मैं बात करूँ तो जो भी इस वक्त ये प्लान कर रहे हैं अपने अपने प्रोफेशन लाइफ में, अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके निजी ज़िंदगी में अफेक्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो कि हम मैं कह सकती हूँ। तो इसमें इनके ये मैसेज आ रहा है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, कैसे हम प्लान करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, सीनियर हम लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, या हम जो भी हम अभी इस लेवल पे हैं उससे और अच्छा लेवल कौन सा हम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये प्लानिंग चल रही है। कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कि पॉसिबल ही नहीं है करियर लाइन में, प्रोफेशन इनके लाइफ में दिखा रहा है। और इनके लिए रेमेडी का कार्ड आया हुआ है, बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये अगर उस प्लानिंग को अगर चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल रहे इम्प्लीमेंट करने में, कोई भी प्लान कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर कि हमें इतने समय में ये प्रोजेक्ट करना है या आगे जाकर कहीं और इस तरह से करना है, जो भी प्लान कर रहे हो, उसके लिए रेमेडी वाला कार्ड ये है कि उन्हें कुछ डोनेट करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए अपनी तरफ से। कुछ इनका यहाँ दिखा रहा है हार्मोनियस नेचर रखते हुए, जैसे होता है ना बहुत दयालु एक नेचर रखते हुए, जैसे मान लीजिए किसी नीडी पर्सन ने कुछ मांगा, कभी कभी होता है ना यूनिवर्स हमको खुद ही रेमेडी प्रोवाइड करती है बिना किसी के पूछे कहे। तो उसी वक्त हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, मान लीजिए एक आपने देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए हमारे पास आ जाते हैं जब हम कार से जा रहे होते हैं, तो आपके पास अगर कुछ भी हो, जैसे बिस्कुट का पैकेट दे दिया या कुछ ऐसा कुछ दे दिया जो उनको एंटरटेन कर सकता है, छोटी सी चीज़ है, दान कर दी अपनी तरफ से, आपका कर्मा जो है उसी वक्त यूनिवर्स नोट का लोन डाउन कर लेती है कि हाँ इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने अपनी तरफ से कुछ तो दिया। लेकिन बिल्कुल कुछ ना देना, एकदम निर्दयी होकर वहां से निकल जाना, बिल्कुल एकदम देखना ही नहीं उसकी तरफ, ये आपके कर्मा में इंक्लूड हो जाता है। इसलिए सावधान रहा करिए हमेशा, मैं अपने कस्टमर्स को भी यही बात कहती हूँ, हमेशा हार्मोनियस नेचर रखिए। पता नहीं कहाँ से कोई मौका आ जाए, कौन नीडी पर्सन आपके पास आ जाए, और जितना आपसे हो सकता है उसको डोनेट करिए। तो आप देखिएगा आपका जो बाधाएं आ रही होती है ना आपके काम में, वो धीमे धीमे हटने लगती है, वो धीमे धीमे रास्ता यूनिवर्स साफ करती चली आती है। यही मैसेज आ रहा है इनके डिवाइन एनर्जीज इनकी तरफ से, कुछ प्लान कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनके रिश्ते में इंसल्ट दिखा रहा है, इंसल्ट हो सकती है, बेइज्जती जो है, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ फैंस होते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो कि इन पे बहुत व्यंग करेगा, इनकी पेयर को लेके बहुत व्यंग करेगा, हो सकता है तेजा के ऊपर करे, हो सकता है करण कुंद्रा के ऊपर करे, कुछ भी हो सकता है। और इनके में ये भी दिखा रहा है रिश्ते में कि ये उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, इंसल्ट के बावजूद भी ये अपने रिश्ते में कभी भी इनजस्टिस नहीं चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि जस्टिस रहे, हमेशा चाहेंगे कि सब चीज़ें एक न्याय से चले, सब कुछ गलत तरीके से ना हो। और यहाँ पे तेजस्वी प्रकाश का एक्चुअली नेचर यहाँ दिखा रहा है कि बहुत ही लव और केयरिंग नेचर दिखा रहा है करण कुंद्रा के लिए, यहाँ पे एट प्रेजेंट ये सिचुएशन दिखा रहा है, अभी तक ये कार्ड कभी नहीं आया था, लेकिन अब ये दिखा रहा है कि उनके प्रति बहुत ज़्यादा लव और केयर अफेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे ये मैसेज है। और मैं इसमें और मैसेजेस देख लेती हूँ कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है करण और तेजस्वी प्रकाश के बीच में। इनके रिश्ते में अगर मैं बात करूं, इनके रिलेशनशिप में लवर्स का कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से कायम रखने के लिए, अपने प्रोफेशन, जैसे होता है ना कि रिश्ते में कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेशन हावी हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करियर वाली बातें
कुछ टेंशन वाली बातें करियर को लेकर के उनके रिश्ते में हावी ना हो जाए, मतलब अपने रिश्ते को अलग रखना है, अलग तरीके से निभाना है, और करियर को अलग तरीके से निभाना है, दोनों को सेपरेट करके चलना है। ये इनके में जद्दोजहद, मतलब एक बहुत हार्ड वर्क दिखा रहा है रिश्ते को निभाने के लिए, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ ये निभाना चाहते हैं, इंटेलिजेंसी का प्रयोग भी कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से रिश्ता बना रहे, लेकिन कन्फ्यूजन चल रहा है किसी चीज़ को लेकर इनके रिश्ते में, इनके रिश्ते में किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन की वजह से वो इसमें ये मैसेज आ रहा है कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, वरीज हैं, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। अगेन यहाँ पे अगेन ये मैसेज है कि इनकी प्रोफेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनके रिश्ते में बराबर से जो है वो कुछ ना कुछ प्रेशराइज कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अदरवाइज लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत कर रहे हैं, एट प्रेजेंट ये सिचुएशन एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे परेशानी भी चल रही है, दिमाग में कुछ परेशानी चल रही है, और ये इसी की वजह से इनको कहीं ना कहीं जो है वो इनको ये फील हो रहा है कि कहीं आगे जाके हम दोनों अकेले तो नहीं हो जाएंगे, या हम दोनों को अकेले चलना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, या अपना काम अलग अलग करना चाहिए, तो या इन दोनों में से कोई एक, ये भी जो है मैसेज है कि जैसे होता है ना कि रिश्ते में कभी कभी हम सोचते हैं कि अगले जने का करियर ना खराब हो जाए तो हम जो है अकेले ही अपना चलेंगे, तो ये एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अदरवाइज दोनों के बीच में प्यार है, दोनों एक दूसरे को निभाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं अलग होना, लेकिन अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशन का दिखा रहा है इसमें, कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ अड़चने आ रही हैं, नो डाउट। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।